भाई अभी से कंबल वंबल जमा कर ले भाई, यार मसला ही है अभी से रजाइया जमा कर, सर्दियों में ना। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि आपको सर्दियां पसंद है या गर्मियां। तो सबसे पूछेंगे, देखते हैं कि किसको सबसे ज्यादा सर्दी पसंद है, किसको सबसे ज्यादा गर्मी पसंद है और क्यों। तो देखते रहिए पूरा ब्लॉग और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। सो आज का कॉन्टेंट है हमारा कि आपको सर्दियाँ पसंद है या गर्मियाँ। तो पूछते हैं सबसे पहले जरनाब से। हेलो जरनाब, कैसी हैं आप? अच्छा, सबसे पहले आपसे सवाल है और ये कंटेंट भी जो है ना मुझे आपसे ही मिला है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे सर्दी और गर्मियों की, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको शो में जब आप बैठती हैं आपको बहुत सर्दी लगती है। मुझे कल तो ऐसी ठंड लगती थी कि मैं ऐसे थी। और गेम खेलते में थोड़ा सा वार्म अप हो रहा था, गेम खेल के आके बैठ गई और फिर ऐसे से हाथ कांप। अच्छा, अभी सर्दियां आ रही हैं तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद, सर्दियां या गर्मियां? मुझे गर्मियां पसंद है भाई। गर्मियां। हम लोग गए थे घूमने नारायण के खान जून जुलाई के महीने में, और मैंने जो शर्ट पहनी थी जून जुलाई के महीने में जी, और मैंने जो शर्ट पहनी थी उसके नीचे से मैंने 8 शर्ट पहनी। 8 शर्ट जून जुलाई के महीने में, 8 शर्ट और उसके ऊपर अपर अलग से। भाई जरनाब को बहुत सर्दी लगती है। और उसके बाद मेरी वेस्ट 26 है तो मैं 30 वेस्ट। भाई अभी से कंबल वंबल जमा कर ले भाई, यार मसला ही है, अभी से रजाइया जमा कर। मेरी वेस्ट 26 है और मैं 30 वेस्ट की जीन्स लेके गई थी, क्योंकि मैंने नीचे से 3-4 जीन्स पहनी थी ऊपर से जीन्स। यार ये क्या है, ताकि मुझे ठंड ना लगे। और इनको मतलब सर्दी वैसे बहुत लगती है, कभी जब हम लोग ड्राइव भी करो तो ए सी बंद कर देती है और धुआं करती है, खराब हो जाए। अच्छा, मगर सर्दियों के कपड़े पहनने का बहुत। वैसे मैं लाली एक बात बोलूं, तुम्हारा बिल का खर्चा बहुत बचेगा। तुम्हारा बिल का खर्चा बहुत बचने वाला है, एसी तुम्हें नहीं चलेगी। बस क्या करें, बस बर्दाश्त करना ना, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना। शाहताज की हुई गेम शो में एंट्री। कैप्टन अब जन कैसे हैं आप, आ गए आप माशाल्लाह से। ये क्या क्या कर रही हैं, ये क्या लिया? रबीका आ गई है, रबीका आ गई, बेफिक्र रहे, आप अपनी तैयारी करें जल्दी से, आप अपनी रेडी हो जाएं जल्दी। जैसी कैसे हो, ठीक हो? अबे तुम्हें भी सर्दी लग रही है आज, गर्मी तुम्हें क्या पसंद है? सर्दियाँ। क्यों? पैदा हुआ था ना मैं दिसंबर में। अरे दिसंबर में पैदा हुआ यार, तुम्हारी बर्थडे क्या? 29 दिसंबर। तुम्हें पता मेरी बर्थडे क्या? 24 दिसंबर। अच्छा, कादिर तुमसे एक दिन पहले पैदा हुआ। भाई माशाल्लाह से तैयार हो गई है, बालों की इतनी फिक्र थी कि रेडी करने और सारे बांध लिए। अच्छा, आज गर्ल्स डे तो तैयारी कैसी है? तैयारी पक्की है, इरादे मजबूत है, बस चढ़ के खेलना है और अच्छा खेलना है हम लोगों ने और साथ मिलके खेलना है इंशाल्लाह। कल हम लोग जीते थे और आज भी जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। सो गेम शो में पहुंच गए हैं हम लोग, मुझे मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो अपनी टीम में? सबको पता है हम फैमिली की तरह है, कोई उधर जाने का उधर जाने का कोई मोहब्बत कम तो नहीं होती ना यार, गेम के दौरान तो गेम होता है। आप भी जाके अगर मेरे सामने खेलाऊंगे तो आप थोड़ी हार जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आज का मेरा जो कंटेंट है और जो सवाल है वो ये है कि आपको सर्दियाँ पसंद है और या गर्मियाँ? मुझे ज़्यादा क्या पसंद है? हाँ, एक चीज़ बतानी, ये नहीं बोलना कि दोनों मौसम अच्छे हैं, ये तो सबको पता है दोनों मौसम अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें अच्छी बनाई है। नहीं बता रहा, देखो जो करना है। सर्दियाँ पसंद है क्यों? क्या हुआ माइन, क्यों परेशान हो? कोई मसला नहीं यार, अच्छा खेलोगी और अच्छा खेल के दिखाओगी तुम, प्रूफ कर सकती हो। हाँ लेकिन कोई मसला नहीं, अभी बहुत टाइम है और बहुत सारा टाइम है, अभी बहुत सारे गेम्स हैं और तुम जीत सकते हो इंशाल्लाह। कैसे भाई फराज भाई, खैरियत से? ठीक ठाक है। आपने व्यूअर्स को बता दें मैंने अपनी अम्मी के साथ व्लॉगिंग शुरू की है। आपकी अम्मी के साथ? हाँ, मैं रोटी बनाना, पराठा बनाना, चाय बनाना, बर्तन धोना, माशाल्लाह से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है बेगम के सारे काम करने। हेलो बासित, कैसे हो? सर्दी लग रही है यार आपको? यार सर्दी नहीं लगी यार, क्वेटा में इतनी सर्दी है और तुम जो है ना, असल में सर्दी नहीं लगी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा हूँ थोड़ा। ओहो, हीरो लुक आ रहा है इस वजह से। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सर्दियाँ पसंद है या गर्मियाँ? यार सर्दियाँ ज़्यादा पसंद। वजह ऐसा है कि सर्दियों में जो है कीड़े मकोड़े कम हो जाते हैं, मच्छर कम हो जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े आप किसको कह रहे हो? पसीने कम हो जाते हैं तो अच्छा। ये चीजें मुझे नहीं पसंद। अच्छा, यानी कि ड्रेसिंग वगैरह की वजह से कह रहे हो? ड्रेसिंग अच्छी गर्मियों में ना, मौसम गर्मियों में ऐसे होता है
मतलब कहीं भी जाता निडाल होता है पसीने में हर जगह, कुछ भी अच्छा पहन लो तो पसीने एक जैकेट पहन लो सही है, और नहाओ भी नहीं तो मसला नहीं है, नहाओ भी नहीं तो। काशिप क्या पी रहे हो? अकेले अकेले चाय पी रहे हो, सही है भाई। मिठू मियाँ मिठू अकेले अकेले खा रहे पी रहे हैं, चूरी खाएगा मिठू, मिठू चूरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रबीका? अच्छा ये बताएं कि आपको सर्दियां पसंद नहीं है गर्मियां? नॉर्मल मौसम मतलब ये जो चल रहा है, ये जो चल रहा है नॉर्मल मौसम, नज़ला वगैरह हो रहा मौसम की वजह तबीयत खराब हो रही है। अच्छा मुझे ये बताओ सर्दियों में ज़्यादा फैशन करना पसंद नहीं है गर्मियों में? सर्दियों में ना क्योंकि कपड़े बहुत सारे पहनने को मिल जाते हैं और हम जैसे जो लोग होते हैं वो शलवार कमीज़ पहनते हैं। चलो गुड हो गया। तुम्हें क्या पसंद है कश्यप? अब खाने के अलावा पूछ रहा हूँ, खा रहे सर्दियाँ पसंद नहीं गर्मियाँ? मुझे सर्दियाँ पसंद है बहुत, बेहद बेहद सर्दियाँ। अच्छा मतलब कोई खास वजह? क्योंकि सर्दियों में जो है ना जैसे हम मोटे लोग जो होते हैं ना गर्मी बहुत लगती है मोटे लोग, अब कपड़े पहनने में भी बड़ी मुश्किल वगैरह पैदा होती है। सही है हाँ ये तो है मुझे, क्योंकि मोटे लोगों को स्वेटिंग बहुत होती है। हाँ और खास तौर पे हम लोग जो बाल आयरन करते हैं जिनको स्वेटिंग बहुत होती है ना उनके बालों में फौरन वेट आ जाता है। और उसके अलावा जो है मुझे ये होता है मैं सर्दियों में ना अपना फौरन वो काट लेती हूँ। क्या काट लेती हूँ, क्या कह रही हूँ? अच्छा अच्छा बाल बाल बालों में की कटिंग भी आप अपनी हर तरह की कर सकते हो। अच्छा सर्दियों में बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, बाल अच्छे होते हैं सबसे मेन चीज, और स्किन आपकी अच्छी गोरी हो जाती है। अरे आपको क्या जरूरत है रबीका, आप तो वैसे ही इतनी माशाल्लाह से गोरी है, और आप भी है, बस मैं ही काला लग रहा हूँ। कश्यप ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, आधा किलो कीमा बनाना है सब मेरा। अच्छा ये रबीका आपको ये कराऊं? लाओ जल लाओ यार, यार मिस्टर जंगी तुम्हारे पास है कंगी, इधर लाओ 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 यार, रबीका को प्रैक्टिस करवानी है यार। ये चीज उमेर ने सिखाया गलत सलत। गाइस आपको दिखाते हैं एक लड़की जो है ना पैसे गिन रही है, कितने जमा हो गए भाई? क्या कर रही हो तुम ये, कितने पैसे जमा हो गए ये बताओ? तुम्हारे पास माइनस में है पैसे या फिर प्लस में? मिक्स है, आपके पास माइनस में ही आए होंगे मुझे हकीकतन पता है, क्योंकि इसमें ज्यादा माइनस थे आज ज्यादा माइनस थे, माइनस है ज्यादा, सब माइनस है ना। देखा मैंने क्या बोला था कि माइनस में है सबसे ज्यादा। देखे जी इमरान साहब आप कुछ फरमा रहे हैं, आवाम आपसे बहुत परेशान है, आपने पेट्रोल महंगा कर दिया है। देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है मैं आप लोगों के साथ हूँ। इमरान खान साहब मेरा तो सवाल है, मेरा तो सवाल है, आपने जो जगह देने का वादा किया था आपने तो हमें कब्रिस्तान में जगह दे दी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं दे दी। देखिए मैं गंदे काम नहीं करता, जगह आप लोग खुद अपना बंदोबस्त करें। चलते हैं बलाज की तरफ। ये बताओ कि आपको सर्दियां पसंद है या गर्मियां? सर्दियां। कोई एक वजह खास? वजह ये है कि मेरे इलाके में सर्दी होती है, मैं बचपन से सर्दी में पले बड़े हो। पला बड़ा हूँ और बड़ा हुआ माशाल्लाह से, बड़े ही हो रहे हो, पले का हो? नहीं मैं एक ही दफा बड़ा हुआ, उसके बाद स्टॉप हो गया। अच्छा माशाल्लाह से नहीं, आपकी हाइट बहुत अच्छी है। तुमने जनरेटर स्टार्ट कर दिया? तुमने जनरेटर स्टार्ट कर दिया है बैकग्राउंड पे। कभी किसी को जनरेटर की जरूरत हो तो हमसे रابطہ करें, किसी को जनरेटर की जरूरत हो तो हमसे रابطہ करें। खास वजह ये है कि इंसान फिट रहता है और जितने भी सर्दियों में, सर्दियों में और सर्दियों में ये होता है कि क्या कहते हैं जरासीम खत्म हो जाते हैं सर्दियों में। ये तो मैंने सुना गर्मियों में होता है, गर्मियों में जर्म ज्यादा हो जाते हैं ना गर्मी की वजह से। अच्छा कीड़े मकोड़े ये सारी चीजें ये भी गर्मियों में निकलते हैं, बाहर निकल आते हैं, जैसे कि मीर जंगी बाहर आया। क्यों क्या बात, क्या क्या हो गई, हो गई बात, हो गई क्या बात चल रही थी, बात ही चल रही थी गर्मियों में कीड़े मकोड़े निकल रहे। अच्छा Oh my God. अच्छा और तीसरी वजह ये कि गर्मी में सर्दियों में इंसान जो है ना फ्रेश रहता है, ये चुड़िया रिंकल जो है ना ये गर्मियों में ज्यादा हो जाता है और चेहरा सफेद रहता है, फ्रेश रहता है, विटामिन ज्यादा होते हैं, मजा आता है, मजा आता है। कॉमेडी कॉमेडी यू कॉमेडी मी। बताओ सर्दी पसंद है या गर्मी? यार सर्दी। सर्दी वजह कोई खास वजह? यार सर्दी में बंदा फ्रेश रहता है, ड्रेसिंग अच्छी कर सकता है, सर्दी अच्छी लगती है अल्लाह ताला। जरना आपको तो बहुत सर्दी लगती है, वो तो मुझे आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए बताओ सर्दियों में नहाते हो तुम?
वैसे कितने दिन की कैप में नहाई? मैं बताऊं, मैं मैक्सिमम 25 दिन नहीं नहाई। गॉड डैम, मैं तो 25 दिन के बाद नहाने लगी थी, 20 दिन के बाद नहाने लगी थी, तो मेरी कजन ने बोला कि नहीं रुक जाओ, अभी 5-6 दिन महीना पूरा कर लो, लेकिन जिसके बाद दावत आ गई 25 दिन नहीं नहाई सर्दी की वजह से। सेकंड ईयर में इस पे बहुत कमेंट्स आने वाले हैं, मुझे पता है। तो स्किन के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी को बताना मत, सिर्फ व्लॉग में डालना, बताना नहीं किसी को, ठीक है? बता, व्लॉग में डाल रहा है। स्किन के बारे में सुबह सुबह 5 बजे उठो, सही है, अपने फेस पे लगाओ बर्फ, आइस लगाओ, हाँ, स्किन फ्रेश रहते हैं पूरे दिन। नहीं, 5 बजे उठने वाली क्या लॉजिक है? ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते हो, ऐसी करते हैं, तुम भी करो। ऐसे बंदे पता कहाँ होते हैं? ये कराची में सदर में टोटके बता रहे होते हैं, भाईजान आपकी जो हरकत है, ये डार्क सर्कल है, आपके जो दाने, इसका मेरे पे इलाज है। मेरी जंगी, ये कौन सा टोटका था? टोटका हमारी आवाम पूछना चाहती है। कोई टोटका नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। बस 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त वजू करो, स्किन फ्रेश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की है। तो आज से जितने भी मेरे व्यूअर देखने वाले हैं, आपको नमाज की दावत है, और बहुत अच्छी बात है, नमाज पढ़े और नमाज की दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात की, माशाल्लाह से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है। आपका क्या कहना है कि स्किन के लिए क्या अच्छी चीज है? मैंने बता दिया था, स्किन केयर के 5 बता दिया था, क्या चीज है? नमाज पढ़ो, यार स्किन केयर की सबसे बेस्ट रेमेडी वो ये है कि सुबह सवेरे उठ के वजू करो, फिर दोपहर में वजू करो, फिर असर में वजू करो, फिर मगरिब में वजू, यानी कि 5 शाम की नमाज, शाम में वजू करो, फिर तहज्जुद में 6 टाइम करो, फिर और ज्यादा निकल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी, सबसे अच्छा टोटका यही है कि स्किन फ्रेश रखने के लिए कि आप नमाज अदा करें और वजू करें इंशाल्लाह। भाई कांग्रेचुलेशन, 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 जीत गए आप लोग। हाउ एम आई? कुछ नहीं हुआ, हार गए, कोई मसला नहीं है यार, जीतेंगे, कभी हार और कभी जीत। Happy birthday यार, अल्लाह खुश रखे। हम्म, भाई कहाँ है यार केक का? वासिस भाई केक चोरी करके खाते हुए, माशाल्लाह। सो गाइस, मेरा व्लॉग लाजमी मस्त देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज ऐसी सपोर्ट करते रहें जो आप लोग प्यार दे रहे हैं हमें, और ऐसी सपोर्ट करते रहें, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग ऐसे प्यार मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह व्लॉगिंग और बढ़ती रहेगी। और तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कब करोगे? परसों किसी बड़े से मैदान में रखना। आपको आपका क्या था? आपने बता दिया था, आपने बता दिया था। आपको सर्दियाँ पसंद नहीं है? गर्मी, सर्दियाँ, वजह कोई खास वजह? ड्रेसिंग अच्छी लगती है, ड्रेसिंग करने में एंजॉय बहुत करते हैं हम लोग सर्दियों में। सो गाइस, यहाँ आज व्लॉग एंड करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपकी उम्मीदों पे पूरा करेंगे। सो गाइस बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।